तेजस्वी यादव सर यहाँ हम लोग का राघोपुर क्षेत्र का विधायक है, उनका यहाँ सपोर्ट है। तो हमारा मिले ना गेहूँ मिले ना चावल मिले है, अपन कमाई तक खाई। आई लॉकडाउन लग लग जैसा तो कमाइलो पर ना पेट भर रहा है। तेजस्वी यहाँ से है, इधर से सब जगह से तेजस्वी। हाँ, युवा नेता हम लोग को पसंद है, चाहत है इस बार बिहार में एक बार तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेब समाचार और अभी हम राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और हमारा टीम बिहार दौरे पे निकला है। इस वक्त हम राघोपुर में खड़े हैं, राघोपुर के फल मंडी में है और यहाँ जो लोग हैं उनसे आज हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या वर्तमान विधायक से ये खुश है या फिर इस बार जो विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसमें इन्हें बदलाव की ज़रूरत है। तो आइए इनसे बात करते हैं। कौची हमें नहीं कर दे ना गेहूँ ना चाय कुछ तो मिलवे ना कहते हम कौची कहूँ कमाई तो खाई। मतलब कुछ नहीं मिल रहा उनसे कुछ ना। पर सरकार तो बोल रही है कि आप लोग का सहयोग किया है, वो 1,000 रुपया दिया है और अनाज भी आप लोग को मिला है। केकरा दिल के सरकार हमारा भी बोला हूँ ना सरकार के 1,000 रुपया मिले है जे गेहूँ चाव मिले है जे। मतलब वर्तमान विधायक से आप खुश है या नहीं है? हमारा कुछ ना मिला था, अब हम बोल दिली बजा उन्हें लेते। चलिए, तो आप साफ तौर पे कह रही कि उनसे कोई सुविधा आपको नहीं मिला है? तो हमारा मिले ना गेहूँ मिले ना चावल मिले है, अपन कमाई तक खाई। आई लॉकडाउन लग लग जैसा तो कमाइलो पर ना पेट भर रहा है। मैंने कहा 5 रुपया कोई सहायता दे लगा सरकार चाहे कोई। तेजस्वी यादव सर यहाँ हम लोग का राघोपुर क्षेत्र का विधायक है, उनका यहाँ सपोर्ट है। अंदाज है कि उनका राघोपुर क्षेत्र उनका तो खैर इलेक्शन है ही है। 15 साल से नीतीश कुमार है बिहार में, क्या क्या सुविधा आप लोग को मिला? सुविधा सर जो मिले मिल ही रहा है, ऐसा बात थोड़ी ना है। तो फिर तेजस्वी यादव क्यों चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को ही दे वोट? अब सर यहाँ लोग जो चाह रहे हैं सो बात ना। मतलब लोग जहाँ वोट करेंगे वहाँ वोट करेंगे? हम लोग सर वोट करेंगे तो वोट मतदाता है, मन का मत दिया देंगे। मतदान सर जो है तो है ही है। चलिए, तो आप चाह रहे हैं कि सर तेजस्वी यादव को यहाँ तो मौका मिलना चाहिए? अब सर वहाँ जीते हैं, विधायक तो बनते है ही ना, अभी यहाँ शुरू से विधायक बनते आ रहे हैं, ऐसा बात थोड़ी ना। 5 साल पहले भी बने थे। तेजस्वी यादव जी, क्या क्या सुविधा मिला अभी तक आप लोग को अपने विधायक से? सुविधा क्या मिलेगा सर, सुविधा तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक। मैं कुछ नहीं मिला जी। नहीं सर। तो क्या चाहेंगे इस बार फिर से उनको मौका दें या फिर? मौका तो देंगे ही। मौका देंगे जी। मतलब कोई सुविधा नहीं मिला फिर भी आप? फिर भी उनको मौका देंगे, उन्हीं को वोट देंगे जी। क्यों मौका दीजिएगा? नहीं, वो आगे से कुछ कर सकते हैं ऐसा लगता है जी। हाँ सर। कितने साल से यहाँ विधायक है वो? हम तो यहाँ पे रेंटल में रह रहे हैं, मेरा मकान मोहनपुर हुआ। वर्तमान जो सरकार है, मुख्यमंत्री है जो बिहार का, जी क्या चाहेंगे कि वही मुख्यमंत्री बने या फिर बदलाव हो? वो बदलाव तो होना ही है। बदलाव होना है जी। हाँ सर। चलिए, बदलाव होना जरूरी है सर। अगर बदलाव हो तो कौन है फिर? जो भी आए लेकिन बदलाव होना जरूरी है। बदलाव होना जरूरी है जी सर। तेजस्वी ही ठीक है। तेजस्वी ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा दिखा तेजस्वी में कि आपको वो ठीक लग रहे हैं? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार क्यों उसे इस्तीफा दिया, उनको क्यों इस्तीफा देवे ला बोला और इस्तीफा दे करके भाजपा में क्यों घुस गए? ये राजनीति में क्या है? तेजस्वी यहाँ से है, इधर से सब जगह से तेजस्वी। हाँ, चलिए, तेजस्वी फिर से यहाँ गए। हाँ, अभी हम लोग वही है विधायक है ना आपके? हम लोग के विधायक अभी वही है, महुआ का विधायक वही है ये अभी। मुख्यमंत्री का चेहरा का बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाना था? हाँ, तो खराब होंगे तो नहीं पड़ेंगे। तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव। युवा नेता हम लोग को पसंद है, चाहत है इस बार बिहार में एक बार तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। युवा नेता चिराग पासवान भी है, वो सबका अलग अलग च्वाइस होता है। क्या कि ये इस बार जो मतलब कि जो बिहार का साक्षरता दर बहुत न्यूनतम चला जा रहा है, साक्षरता दर जो हम लोग वृद्धि चाहते हैं, हर युवा को रोजगार चाहते हैं, बेरोजगार बहुत मतलब बेरोजगार भत्ता बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिए हम लोग युवा के कहना है कि कम से कम जितने जो बेरोजगार युवा है उसको रोजगार दे, बस ये हम लोग सरकार से चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कुछ लोग का कहना है कि लालू जी के राज समय में साक्षरता और नीचे था बिहार में, उसका स्तर काफ़ी नीचे गिर चुका था। लालू जी के राज समय कर रहे हैं, जो सर लालू यादव के राज में केरल का साक्षरता दर 91 पॉइंट कुछ था, अब बिहार का उस समय शायद 58 पॉइंट कुछ था। तो जब से जैसे कि नीतीश जी बने हैं तो उसमें बिहार का साक्षरता दर 78 पॉइंट कुछ बढ़ा है, लेकिन इसे भी 2-4 साल से उनसे नाखुश देखते हुए जनता लोग है, जो मतलब कि इसमें गड़बड़ी कुछ पाया गया है, बस सही बात है। चलिए, नीतीश जी से क्या समस्या हो गया कि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? नीतीश जी से यही समस्या है कि वो मतलब कि जैसे कि युवा के प्रति कुछ सोच विचार उनके पास नहीं है अभी फिलहाल के लिए। वो है कि जहाँ तक जैसे कि वो एक तरह से ग्रामीणों को एक अच्छी मतलब कि विकसित की ओर ले जा रहे हैं, ठीक,
लेकिन वह युवा के प्रति रोजगार के प्रति वो नहीं सोच रहे हैं, बस यही समस्या है। तो आपको लग रहा है कि तेजस्वी आएंगे तो ये बेरोजगारी और शिक्षा की बात कर रहे हैं वो सुधरेगा बिहार में? एकदम सुधरेगा, सुधरेगा एकदम, सुधरेगा, भरोसा है, यकीन भी है। तो देखा आपने, ये थे राघवपुर के लोगों की राय। हमारे वीडियोज को आगे देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल वेब समाचार को। धन्यवाद।